हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊँगी कच्चे आलू और गेहूँ के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। मैंने 3 आलू ले लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब इनको मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप मेरे पूरे वीडियो को देखना, बीच वाले से कद्दूकस कर लूँगी, ज़्यादा मोटा कद्दूकस नहीं करूँगी। गाइस, ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट नाश्ता रहता है। और बच्चे जब स्कूल में ये नाश्ते को लेके जाते हैं तो सभी पूछते हैं कैसे बनाया ये नाश्ता, किसका है। सभी आलू मैंने कद्दूकस कर लिए है। अब हम ये आलूओं को अच्छे से धो लेंगे। बारीक कसा हुआ है इसलिए हम छलनी से धोएंगे। छलनी में रखकर मैं धो लिया सभी को। अब हम एक बर्तन लेंगे, सभी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब सब डाल लिया है, अब हम करेंगे इसमें मसाला ऐड। हम घर के मसालों से ही बना लेंगे ये नाश्ता, इसमें ज़्यादा मसाला बाहर का नहीं यूज़ करते। इसी सूखा जीरा लिया है मैंने, रेड चिल्ली फ्लेक्स, आप रेड चिल्ली पाउडर भी ले सकते हो, सूखा फुदीना, चाट मसाला, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज, नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है, इसलिए नमक लास्ट में ऐड करेंगे हम। ये लिया है मैंने ब्लैक नमक, काला नमक, इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हम आटा बाद में मिलाएंगे, पहले हम सभी को मिला लेंगे मसालों को। अच्छे से हमारे मसाले सभी मिल गए हैं। अब हम लेंगे आटा, मैंने एक कटोरी आटा लिया है, इसको पूरा नहीं लूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी इसमें। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो, इसमें आलू ज़्यादा रहे तो आटा ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मेरा डो तैयार हो गया है, मैंने अच्छे से आटा मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। इसको आटे की तरह नहीं गूंदना है, इस तरीके से मिला के हम डो तैयार कर देंगे इसका। अच्छे से मिला लिया ये गाइस। ये नाश्ते को इस तरीके से बना दे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये हो गया हमारा डो तैयार। अब तैयार हो गया है हमारा आटा। अब हम लेंगे छोटे छोटे लोए, इसमें से आप चाहे तो हाथ में घी या तेल भी लगा सकते हो। इस तरह के सब छोटे छोटे गोल गोल लोए बना लेंगे और इसको अच्छे सा शेप देंगे हम, इस तरीके से अथलेटी के ऊपर रखकर। बीच में मैंने होल कर दिया है, होल इसलिए किया है कि चारों तरफ से अच्छे से सिकाई हो जाएगी इसमें। और गाइस, आटे का डो तैयार करने के बाद हम 5 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख दें। ये नाश्ता इस तरीके से बनाते तो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको टमाटो सॉस या हरे धनिया की चटनी से भी खा सकते हैं। सभी को मैं एक एक करके बना लूँगी इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा बना है। आप इस तरीके से नाश्ता बना के दोगे तो बच्चे बड़े सभी तारीफ करने लगेंगे। सभी मैंने बना लिए। तो गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई ले ली मैंने और इसमें तेल डाल दिया है।
तेल ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ा ही तेल लिया मैंने। बिल्कुल स्लो आंच में रखेंगे हम और तेल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। सभी को मैं ऐसे रख दूंगी इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं चिपकते ये, कभी कम तेल है तो चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकते। इस नाश्ते की एक ही खासियत है कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। हम रोज़ रोज़ रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो ऐसा नाश्ता भी बना सकते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं क्या बनाए नाश्ते में, तो ये नाश्ता बहुत ही बेहतरीन है। अब हम पलट लेंगे इनको। तो गाइस इस तरीके से सभी को मैं पलट दूंगी। अब जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने सब्सक्राइबर से सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए। मैं आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। तो गाइस सभी फ्राई हो गए हैं, मैंने वापस पलट लिए इनको। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से फ्राई करना है हमको, बिल्कुल कलर चेंज कर दिया है। इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत ही कम समय में बन जाता है। कभी कभी हम सोचने लग जाते हैं क्या बनाए, तो बन के हो गया तैयार। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कैसा बनाए। मैं तोड़ के बताती हूँ, बिल्कुल कुरकुरे बने और अंदर से इतना अच्छा दिख रहा है। बाय बाय।